आज जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? आज है हम लोग डाटा कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? डाटा कलेक्शन भी बोलते हैं, डिटेलिंग भी बोलते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे भी बोलते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट लेना भी बोलते हैं, नॉर्थ पॉइंट लेना है, ईस्ट पॉइंट लेना है, या ईस्ट पॉइंट लेना है, नॉर्थ पॉइंट लेना है, एक्स लेना है, वाई लेना है, यानी हर पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट उठाना है, उसको बोलते हैं डाटा कलेक्शन। ठीक है। और उसमें हम लोग एक चीज़ और करेंगे, उसमें हम लोग बैक साइड भी कर लेंगे, यानी कि स्टेशन चेंज करके भी डाटा कलेक्शन करेंगे, अलग अलग स्टेशन चेंज करके पॉइंट को उठा लेंगे, तो उसी को हम लोग डाटा कलेक्शन बोलते हैं। और डाटा कलेक्शन के लिए हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको कोऑर्डिनेट का सिस्टम मालूम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट दो तरह होता है, कितने तरह होता है? दो, एक पोलर एक रेक्टेंगुलर, एक पोलर और एक रेक्टेंगुलर। पोलर कोऑर्डिनेट का माने होता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट होता है, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के माने जिसमें एंगल होता है। क्या होता है? एंगल और डिस्टेंस। एंगल, अगर डिस्टेंस किसी पॉइंट में एंगल डिस्टेंस दिखा रहा है तो वो पोलर कोऑर्डिनेट है, और किसी पॉइंट ले रहे हैं अगर उसमें नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तो वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है। ये चीज़ पहले जानना है। ठीक है। दूसरा, कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा, कोऑर्डिनेट नॉर्थ में 7 डिजिट रखना चाहिए और ईस्ट में 6 रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में 6 और नॉर्थ में 7। बाय डिफॉल्ट सैटेलाइट से भी वही दिखाएगा आपको, अगर जीपीएस में काम करते हैं तो जीपीएस से जब कोऑर्डिनेट मशीन में दिखाएगा तो नॉर्थ कितना दिखाएगा? 7, ईस्ट 6 दिखाएगा। ठीक है। तो कोई भी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट मान भी रहे हैं 1000, 1500 कुछ भी, तो क्या करेंगे, नॉर्थ को 1000 मान लेंगे, ईस्ट को 900 मान लेंगे, नॉर्थ को 500 मान लेंगे, ईस्ट को 400 मान लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट को मानते हैं अलग अलग। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हमने कहा कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे, एज्यूम कर सकते हैं, और जीपीएस से यूज़ कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? जीपीएस से यूज़ कर सकते हैं। तो डाटा कलेक्शन करने के लिए हम करेंगे क्या, ये जैसे हमारा मशीन है, सॉफ्टवेयर टोटल स्टेशन है CX105, तो ये मॉडल में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सेटिंग करेंगे पूरा मशीन, पहले लेबल कर ले, जैसे अभी हम लोग ने लेबल कर लिया, फिर डेटम्स मिला लिए, बेंचमार्क भी कह सकते हैं इसको, स्टेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये जो नीचे पॉइंट हमारा स्टेशन मिला लिए हम लोग ऑप्टिकल प्लमेट से, लेजर से, और उसके सर्कुलर लेवल को लेबल कर लिए, वेल लेवल, क्या बोलते हैं इसको, वेल वेल लेवल को भी लेबल कर लिए। तो आज चेक भी करेंगे, सबसे पहले हम लोग टिल्ट में जाएंगे, तो एक्स वाई देख रहे हैं, ठीक है, ओके है, लेवल्स हो गया, एक्स वाई लेवल हमारा, तो टिल्ट भी हम लोग कर लिए हैं, ट्राइबेज भी लेवल हो गया, स्टैंड भी लेवल हो गया। अब काम के लिए मशीन तैयार है, तो मशीन में कुछ सेटिंग करेंगे डाटा कलेक्शन करने के लिए। हम लोग ईडीएम में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहीं सामने लिखा हुआ है। तो पहले प्रिज्म ट्रैकिंग में रखेंगे, प्रिज्म में काम करेंगे, 30 mm लार्ज प्रिज्म से काम करेंगे, तो 30 कितना डालेंगे, 30 mm। उसके बाद अभी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर नापेंगे कितना है, प्रेशर कितना है, पीपीएम कितना है, सब नाप के डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग स्केप करेंगे, मेमोरी में जाएंगे, कुछ कोड का जरूरत पड़ता है, क्या करना है, कोड का, कोड जैसे स्टेशन कैस्टी, दीवार का वाल, कुछ कोड है तो उसको हम लोग कोड यहाँ डाल सकते हैं। तो कुछ कोड डालना है तो कोड में जाएंगे या टाइप करेंगे, जैसे हमको वाल चाहिए, क्या चाहिए, वाल का डब्ल्यू एल, क्या करेंगे इसको हम लोग बैक करते हैं, डब्ल्यू एल से कोड डाल दिए, रिकॉर्डेड, क्या हो गया, ये कोड रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है। कोड व्यू, व्यू में हम जितना इसमें कोड है सब देख सकते हैं। ठीक है। चलो अभी हम लोग बैक करेंगे, फिर बैक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, यूनिट सेट करेंगे, क्या करेंगे, यूनिट सेट में जाएंगे। जैसे अभी हमको टेम्परेचर किस में चाहिए, तो सेल्सियस में, किस में, सेल्सियस में। प्रेशर क्या, एच पी ए, एंगल डिग्री मिनट सेकेंड, एंगल या एंगल में देख सकते हैं आप, दिखा सकते हैं आपको, एक एंगल होता है गॉन सेंटीग्रेड, क्या बोलते हैं, सेंटीग्रेड सिस्टम, एक एंगल होता है मिल, मिल माने मीटर में, किस में दिखाएगा, यानी टोटल शीट में जो एंगल दिखाएगा वो किस में दिखाएगा, मीटर में, एंगल चेंज हो जाएगा, दिखा रहे हैं आपको, बैक करते हैं, अभी हम मिल सेट कर दिए, क्या दिखा रहा है, एंगल
1599 मील, मील में दिखा रहा है, किसमें दिखा रहा है, यानी मीटर में दिखा रहा है, किसमें दिखा रहा है, मीटर में। चेंज करते हैं फिर से वापस को, कॉन्फ़िगरेशन यूनिट, इसको वापस हम लोग डिग्री मिनट सेकंड में डालते हैं। अब डिस्टेंस किसमें, डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, मीटर में, फीट में, इंच में, तो अभी फिलहाल हम लोग मीटर में करेंगे। यहाँ देख सकते हैं फीट है, फीट के साथ इंच ले सकते हैं, इंच ले सकते हैं, तो हम लोग मीटर ले लेते हैं। ओके, तो ये पहले सेटिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जॉब लेंगे, क्या लेंगे, तो जॉब के लिए कहाँ जाएंगे, मेमोरी में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, जॉब सिलेक्शन में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे, जो जॉब खाली होगा वो ले लेंगे, नहीं होगा तो खाली कर देंगे, ठीक है। तो जॉब टू खाली है फिलहाल, जब जॉब टू ऊपर सिलेक्शन करेंगे तो कोऑर्डिनेट सर्च में भी क्या करेंगे, जॉब टू डालेंगे, ठीक है। दोनों जॉब टू सिलेक्शन हो गया, काम पैक करेंगे। अब क्या करेंगे कि हम लोग दो तरीका, कंपनी में क्या होता है, एक कंपनी कहती है अजीमुथ एंगल पे काम करने, अजीमुथ का माने नॉट जीरो, क्या करके, एक नॉट जीरो होता है टेम्प्रोरी और एक होता है परमानेंट। परमानेंट का माने कंपास, किसे, कंपास ऊपर रखेंगे, कंपास रखकर जैसे हम लोग ये मोबाइल में, एक्चुअली रियल में कंपास जो हैंड कंपास छोटा वाला था वो यूज करते हैं कंपनी में, मोबाइल का कंपास में भी बहुत प्रॉब्लम है, क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं कंपास है, चल रहा, जैसे हम जिस तरह घुमाएंगे, इधर ईस्ट है, क्या है, देखो ईस्ट 90 होता है ना, कितना होता है, देखो ईस्ट, इधर क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ जीरो, क्या इस तरफ नॉर्थ जीरो दिखा रहा है, तो कंपास को इसके ऊपर रखेंगे। अब मशीन को उतने हाइट पर लगाए रखेंगे कि कंपास दिखे हमारा, और ये जो हमारा ऊपर पॉइंट है ड्राइवरेज का, जो हैंडल्स का, ये कंपास पॉइंट होता है, क्या होता है, कंपास हमेशा यहाँ रखेंगे ऊपर, और हम लोग जीरो डिग्री मशीन को घुमाएंगे, कितना घुमाएंगे, ये रियल काम हो गया हमेशा के लिए, क्या हो गया, हमेशा के लिए, है ना। तो अब हम लोग क्या किए, पहला स्टेशन में ये काम करेंगे, किसमें करेंगे, दूसरा में कभी नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार करेंगे पहला स्टेशन में, किसमें, पहले स्टेशन में नॉट जीरो किया जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फंक्शन में आएंगे, यहाँ पर एच एंगल क्या लिखा हुआ है, और नीचे सर्च करते हैं जीरो एंगल, क्या लिखा रहेगा, जीरो, जीरो सेट, क्या लिखा हुआ है, तो जीरो सेट, हमें इसको पहले मशीन में थोड़ा सा इसको अंदर करके तब टाइट होता है, ठीक है। तो ये 59 डिग्री, चलो जीरो डिग्री हो गया। अब इस यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, क्या हो गया, जीरो 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 दोनों को मिला लिए, क्या क्या लिए, अब मेरा जो मशीन काम करेगा मैग्नेटिक, क्या काम करेगा, मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से, किसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम लोग जीरो करके स्केप करेंगे, एक काम हो गया। अब हम लोग को ये जगह का ड्राइंग लेना है, मैप लेना है, अब काम शुरू करेंगे। तो कहाँ जाएंगे, जॉब ले चुके हैं, अब हम लोग जाएंगे फिर से फंक्शन में, मेनू, मेनू में जाएंगे, कोऑर्डिनेट कहाँ जाएंगे, स्टेकआउट में नहीं जाएंगे, स्टेकआउट का माने होता है पॉइंट को ढूंढना, स्टेकआउट माने जो पॉइंट भुला गया, आपने कल लिया था जो पॉइंट वाला, देखना चाहते कहाँ कहाँ लिए थे, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेकआउट, स्टेकआउट बहुत सबसे बड़ा काम है टोटल स्टेशन का, स्टेकआउट क्या है, सबसे मेन काम। जब भी आप नए किसी कंपनी में जाएंगे तो आपका काम शुरू होगा स्टेकआउट से, कहाँ से होगा, एसओ से काम शुरू करेगी कंपनी शुरुआत, है ना। और एडवांस काम बोलते हैं जो हम लोग डाटा कलेक्शन को, क्या बोलते हैं, एडवांस काम, क्या बोलते हैं, ये एडवांस काम है, बहुत ऊंचे लेवल का काम है डाटा कलेक्शन, ये बहुत एक्सपीरियंस वाले लोगों को कंपनी देती है, तो इस पर मेहनत करेंगे ताकि आप शुरू में ही जाके एडवांस काम से शुरू करें, कहाँ से, एडवांस से। कोऑर्डिनेट में जाएंगे, सबसे पहले हम लोग स्टेशन ओरिएंटेशन करेंगे, स्टेशन ओरिएंटेशन का माने होता है जहाँ मशीन बैठाए हैं वहाँ का कोऑर्डिनेट डालना, अगर मालूम है तो भी, नहीं है तो जीरो जीरो जो मर्जी डाल दो, क्या डाल दो, अगर नहीं मालूम है तो जो मर्जी, और मालूम है तो वही डालेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं मालूम है, स्टेशन में जाएंगे, स्टेशन कोऑर्डिनेट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बहुत से मशीन में ऑक्यूपाइड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है यहाँ पे, ओसीसी, क्या लिखा रहेगा, सौकिया के नहीं, बहुत से मशीन में ओसीसी भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साउथ साउथ की जो मशीन है ना फिलहाल, उसमें ओसीसी लिखा है, क्या लिखा है, ओसीसी में जाएंगे।
अब OCC ऑक्यूपाइड करेंगे, ऑक्यूपाइड यानी कोऑर्डिनेट डालेंगे यहाँ का। तो यहाँ की कोऑर्डिनेट हमने मान लिए नॉर्थ में 5, ईस्ट में 4 और एलिवेशन 100। इंस्ट्रूमेंट हाइट यहाँ से नापेंगे, ये इंस्ट्रूमेंट हाइट है HI, यहाँ से टेप से नापेंगे, जितना है उतना डालेंगे। टारगेट हाइट यानी प्रिज्म रड, कौन सा प्रिज्म रड की हाइट डालेंगे। डालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड में जाएंगे, पॉइंट नंबर डालेंगे 2, पॉइंट कोड डालेंगे, पॉइंट कोड में क्या लिखा हुआ W, क्या करना है अपने को, क्या करना है, स्टेशन निकालना है, क्या लिखना है, डिस्टेशन। यहाँ लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है, नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या टाइप करेंगे, ऐड, ऐड में जाएंगे, सॉरी स्टेशन, क्या लिखेंगे, स्टेशन, एस टी, ठीक है, हो गया। डे टू टाइम हम सब डालेंगे। अब ये हमारा टेम्परेचर सब डाल के, ये अभी स्टेशन कोऑर्डिनेट सेट हो गया हमारा, क्या हो गया, ये सेट हो गया। अगर हम कल आएंगे, कल अगर हम बैकसेट नहीं करना चाहते हैं तो कल एक काम और कर सकते हैं, मशीन यहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे, कंपास यहाँ रखेंगे, घुमाएंगे, जिधर जीरो होगा वापस जीरो दबा देंगे, जैसे दबा देंगे बैकसेट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बैकसेट हो गया काम, टेंशन खत्म, क्या हो गया। चलो अभी आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग डाटा कलेक्शन करना है तो पॉइंट लेना है, क्या लेना है, अब इस जगह का सारा पॉइंट उठाना है हमको, ग्राउंड का चारों बाउंड्री उठाना है, एरिया देखना है, तो इसके लिए हम लोग पॉइंट उठाते हैं। पॉइंट उठाने को ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट, क्या बोलेंगे, बहुत से मशीन ने मेजरमेंट लिखा होगा, तो ऑब्जर्वेशन में जाएंगे और हम लोग फिलहाल जितना एक स्टेशन से पॉइंट दिख रहा है उतना उठा लेंगे। तो हम लोग जैसे इधर तो पॉइंट दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा, वो कॉर्नर लेना था, वो कॉर्नर लेना था, लेकिन कॉर्नर दिख नहीं रहा है, तो अभी हम लोग ये कॉर्नर से शुरू करते हैं, कहाँ से, यहाँ से कर लेंगे, फिर मशीन बदल के वो सब लेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, क्या करेंगे इसके लिए, तो ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, चलिए प्रिज्म लीजिए एक आदमी, देखिए प्रिज्म रड लेके पॉइंट में जाएंगे, तो ये कॉर्नर, वो उधर से उधर कॉलम, बस हाँ, तो वो जमीन हमारा और बाकी छज्जा है, वो क्या है, तो उधर का नहीं लेंगे, अपनी जमीन का जितना एरिया उतना लेंगे। अभी ये एग्जैक्ट एरिया इसका लेंगे, डाटा ट्रांसफर करके चेक भी करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मशीन को दो काम याद रखें, ये फोकस स्क्रू है, जूम करेंगे, और ये आईपीस है, इससे डायफ्राम ब्लैक करेंगे, क्या करेंगे, जो क्रॉस हेयर दिख रहा है एकदम डार्क ब्लैक, क्या होना चाहिए, डार्क ब्लैक, तो डार्क ब्लैक करके, और उसके बाद फिर हम लोग पॉइंट मेजर करेंगे, ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, इसको दिखाइए, ऑब्जर्वेशन करेंगे थोड़ा सा, सॉरी तो जैसे हमने ऑब्जर्व किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखा रहा 5004 3099, यानी नॉर्थ प्लस ईस्ट माइनस हो रहा है, क्वाड्रेंट 4 में है, कहाँ पे है, चलो नहीं अभी नहीं, वो पॉइंट बैटरी चार्ज नहीं करते आप लोग, चलिए ये हो गया पॉइंट नंबर, हम लोग पॉइंट नंबर डालना था, पॉइंट नंबर 4 ले लिया है, एक दो, चलो ठीक है उसी चलेगा। अभी हम लोग ने 2 पॉइंट लिया,
क्या लिया, ये पॉइंट लिए और वो पॉइंट लिए, लेकिन अब जो तीसरा पॉइंट लेना है उधर देखो, तीसरे पॉइंट में कॉलम है, क्या है वो दिख नहीं रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन को बदलेंगे, हाँ ठीक है, इधर आइए, काम का टाइम में इधर देखिए, क्या करेंगे, मशीन को आगे ले जाना है, वो पॉइंट दिख नहीं रहा है, तो पॉइंट नहीं दिया, नहीं डाटा कलेक्शन तो हो गया, लेकिन अभी आगे पॉइंट डाटा कलेक्शन करना है, तो दो पॉइंट ऐसा बनाएंगे जो उस पॉइंट के सामने हो और यहां से भी दिखे, कहां से, अभी यहां से भी दिखना चाहिए, फिर वहां से भी। तो हम लोग क्या करेंगे, साइट का पहले खुद से मैनुअल सर्वे करेंगे, जाकर देखेंगे, है ना, अभी देखते हैं कि किधर दिख रहा है, इधर आइए, अगर यहाँ मशीन लगाते हैं तो पॉइंट दिख रहा है, वो पॉइंट दिख रहा है, तो मशीन यहाँ लगाएंगे, ये देखो, ये दिखाओ नीचे, ये स्टेशन टू होगा, क्या होगा हमारा, यहाँ मशीन लगाएंगे, अब एक कंट्रोल पॉइंट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कंट्रोल पॉइंट, यानी जहाँ मशीन लगाना नहीं है इसको वहां से कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे, इसको वहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कहां से, अब वो भी उसको भी मेजर कर सकते हैं, पहला स्टेशन को भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली करना पहला को नहीं चाहिए, दो को करना चाहिए, तो ये स्टेशन हो गया और ये हमारा सीपी हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर ही हम लोग कंट्रोल करेंगे, वहां से इसको बैक साइड बनाएंगे, यानी इसको क्या बोलेंगे, बैक साइड, ये क्या हमारा, याद रखिएगा, बैक साइड किसको बोलते हैं, टोटल स्टेशन में, इंटरव्यू में पूछेगा कि बैक साइड किसको बोलते हैं, टोटल स्टेशन में, ऑटो लेवल, इसमें दोनों में फर्क है, क्या है, है ना, वहां पॉइंट काम शुरू करने से पहले बैक साइड लेना है, यहां भी काम शुरू करने से पहले बैक साइड लेना है, तो बैक साइड होगा जिसमें मशीन नहीं लगेगा, बैक साइड कौन होगा, जिसमें मशीन नहीं लगेगा, जिसमें मशीन लगेगा वो होगा स्टेशन, वो होगा स्टेशन, और जो कंट्रोल पॉइंट होगा वही हमारा बैक साइड है, क्या है, सीपी, सीपी को ही क्या बोलते हैं, बैक साइड। तो प्रैक्टिकली कंपनी में जो बात होगा बैक साइड, क्या बोलेगा, किताब के हिसाब से सीपी, किताब के हिसाब से सीपी, और काम के हिसाब से बैक साइड। तो बैक साइड से हम स्टेशन को कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, मिलाते हैं पॉइंट को, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग दोनों में किसी को भी कर सकते हैं, तो पहले उसको मेजर कर लेते हैं, फिर इसको मेजर करेंगे, कहाँ से करेंगे, वही स्टेशन से। तब तक स्टेशन हिलना नहीं चाहिए जब तक दो पॉइंट, कभी भी मान लो आपको आगे काम करना है या नहीं करना है, तो कभी भी एक स्टेशन पे काम नहीं करना है। जैसे हम मेजर कर लिए तो पहले दो पॉइंट स्टेशन बना के छोड़ देंगे, क्या करेंगे, और दोनों परमानेंट होना चाहिए, कि कम से कम साल भर हिलना नहीं चाहिए, कि ना साल दो साल, वो जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाता, जब तक रोड तैयार नहीं हो जाता, ये कंट्रोल पॉइंट नहीं हटना चाहिए, ठीक है। यहीं से हमको दोबारा काम बढ़ाना है आगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मेजर करते हैं फिर उसको करते हैं, ठीक है। इसमें आओ पहले, तो जब भी याद रखिए, जब स्टेशन को हम जब भी स्टेशन मेजर करेंगे ना, तो पॉइंट को नीचे से मिलाएंगे, कहाँ से, स्टेशन में खाली, किसमें, बाकी जो पॉइंट लेते हैं ना दूर दूर पर, उसमें जरूरी नहीं नीचे मिलाना, नीचे से मिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये नीचे मिला के ऊपर उठाएंगे, एकदम सही है। अभी क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये कोऑर्डिनेट हो गया कहाँ का, पॉइंट नंबर 5-6 जो भी है, इसको फोटो खींचो, लिया है अभी, इसको फोटो खींच लेंगे, जनरली इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंपनी के रजिस्टर कॉपी मिलेगा उसमें लिख लेंगे, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद इसका कोड चेंज करेंगे, और पॉइंट नंबर कितना है, ये 5 है, 5 है, 5, ये 5, अब 6 में जाएंगे, जाइए, उधर दिखाए,
ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हम लोग ने पॉइंट ले लिया, इसका फोटो खींचिए जल्दी से। हाँ ये पॉइंट नंबर कितना हो गया, 6। रिकॉर्ड में जाएंगे देख लेंगे पॉइंट नंबर 6। चलो अभी पहले जब हम लोग ने स्टेशन या सीपी ले लिया तो सबसे पहला काम है मशीन को बंद करेंगे। क्या करेंगे, जब ये बंद हो जाएगा तो मशीन को खोलेंगे। खोलिए और ले जाके वहाँ मशीन लगाइए इस पॉइंट पे मशीन को। हाँ यहाँ पे मशीन को सेट करिए, इस पॉइंट पे मशीन लगाइए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन ऑन करेंगे। मशीन ऑन करके हम लोग एक्स वाई टिल्ट क्या करेंगे, टिल्ट में जाएंगे, ठीक है, टिल्ट हम लोग सही कर लेंगे इसको अच्छे से। चलिए स्केप करेंगे, अभी क्या करना है हम लोग वापस, तो देख लो इधर सीखो इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग नया लड़का खास करके, और आप लोग भी पुराना भी, यही खेल है सब। तो खेल क्या हम लोग शुरू करेंगे, फंक्शन में जाएंगे, मेनू में जाएंगे, कोऑर्डिनेट में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, स्टेशन में। जब जब मशीन लगाएंगे तब तब किस में जाएंगे, स्टेशन में ही जाएंगे। अब स्टेशन में जाने के बाद फिर स्टेशन कोऑर्डिनेट में जाएंगे, अब यहाँ का कोऑर्डिनेट डालेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ कंपनी में क्या होगा, टाइप करना होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, कंपनी में फाइल मिलेगा, ड्राइंग मिलेगा, ड्राइंग में सारा कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा, उसको देख कर यहाँ टाइप करेंगे। क्या करेंगे, है ना, तो हम लोग यहाँ तो सेवे हैं, रीड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पॉइंट नंबर 5 है, ये कितना है, 5 है, तो 5 नंबर का कोऑर्डिनेट हम फोटो खींचे थे। सर मैं हूँ क्या, देखो 5 का कोऑर्डिनेट 5003 सेम है, 10530, ठीक है, इसको ओके करेंगे। ओके कर दिए, क्या कर दिए, ओके कर दिए, यानी यहाँ का स्टेशन मिल गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट मालूम था। इसको नॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉन पॉइंट, क्या बोलते हैं, नॉन स्टेशन। अब हमको बैक साइड मिलाना है, क्या मिलाना है, तो बैक साइड में आएंगे, बैक साइड मनी वो, यहाँ दो तरह से बैक साइड मिला सकते हैं, एंगल से और कोऑर्डिनेट से। तो हम लोग किससे मिलाएंगे, कोऑर्डिनेट से, कोऑर्डिनेट में जाएंगे, अब रीड में जाएंगे, वो 6 नंबर है, कितना नंबर है, 6 नंबर है, 6 नंबर का कोऑर्डिनेट आप दिखाइए, पहले देखेंगे उसको लिखना है ना। ठीक है चलो यही है, ओके करेंगे। अभी क्या ना, यस नो कुछ नहीं करेंगे, पहले उस पॉइंट को मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, प्रिज्म में मिलाएंगे। जाइए आप लेके, तो कैसे मिलाएंगे, नीचे से ऊपर, वाटर लेवल, लेवल पकड़े हैं, लेवल प्रिज्म, उसका लेवल देखो, ये अभी तक नहीं आया लेवल देखने के। उसको कभी भी वाटर लेवल देख के पकड़ना है, ठीक है। अभी हम लोग मिला लिए, क्या करेंगे, यस यस हो गया, बैक साइड मिल गया, मिल जाने के बाद चेक करेंगे, क्या करेंगे, अब वहाँ का कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है कि नहीं, बैक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, थोड़ा सा प्रिज्म झुकाओ हल्का से इधर, बस
देखो देखा ये तो हम लोग का बैक साइड का जो कोऑर्डिनेट वहां पे लिए थे वहां से, तो यहां से भी क्या उतना ही दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि दिखाएगा। पहला स्टेशन से जितना दिखाएगा उतने ही दूसरे स्टेशन से भी दिखाएगा। तो 25 53 8 हाँ,